मुझे आज तक ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु का कंसेप्ट ही नहीं समझते। काफी लोग ऐसे हैं जो इसे एस्ट्रोलॉजी से कंफ्यूज करते हैं। बट बेसिकली इट्स अ साइंस, इट्स एन एंशियंट आर्किटेक्चरल साइंस कि घर किस तरह से बनाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें कि पुराने समय में ना कोई एमिनिटी होती थी, ना बिजली होती थी, ना कोई लग्जरी होती थी, हम पूरी तरह से 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट थे। तो उनका किस तरह से प्रॉपरली बेनिफिट उठाते हुए एक घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिससे कि आपके घर में आपको हर सीजन का बेनिफिट मिले, हर एलिमेंट का बेनिफिट मिले, और जितनी भी हमारी डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन और चार जो कॉर्नर्स हैं, उससे आने वाली एनर्जी को हम प्रॉपरली हमारे घर में एक्सेप्ट कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। सो दैट इज बेसिकली वास्तु। एंड आज भी इसका यही रीजन है क्योंकि हम लोग ये फील करते हैं हमारे घरों में कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। किसी के अगर हम घर में जाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि यार हम यहाँ कैसे आ गए, हमें इमिजिएटली बाहर निकल जाना चाहिए। और कभी हम किसी के घर में जाते हैं, घंटे 2 घंटे कहाँ बीत जाते हैं बातचीत में, हमें पता नहीं चलता। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की फील का एहसास है और हम फील कर सकते हैं कि किस घर में पॉजिटिव एनर्जी का अबंडेंस है और किस घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। वास्तु और फेंगशुई में फर्क क्या जी है? सर। सर पहले तो ओरिजिन का ही सबसे बड़ा फर्क है। एज इफ देखा जाए तो उनका जो फिलॉसफी है वो काफी सिमिलर है, बट एक ओरिजिनेटेड है हमारे पुराणों से। यानी आप देखेंगे तो हजारों साल पुराना एक साइंस है वास्तु, जो कि हमारे अलग अलग वेद में पुराणों से डिराइव करके हमने ये पता लगाया है कि इट इज नॉट जस्ट कि अभी कुछ सालों पहले इसे डिराइव किया गया है, ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसे डिराइव करा है और तब से ये घर हमारे इस हिसाब से बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो फेंगशुई काफी रिसेंट साइंस है जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ है। एंड उसका जस्ट ये है कि वो भी 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, हम भी 5 एलिमेंट वास्तु में 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, वो भी 8 डायरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, हम भी 8 डायरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट 8 डायरेक्शंस तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 डायरेक्शंस कहाँ, हमने तो आज तक नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में सुना है। लेकिन हम जो कॉर्नर्स होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, उन्हें भी हम डायरेक्शंस ही कंसिडर करते हैं। सो ऐसी कुल मिला के 8 डायरेक्शंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम वास्तु या फेंगशुई करते हैं। इज जस्ट दैट जो नाम होता है वास्तु मतलब ड्वेलिंग, आपके घर से जो शास्त्र डेवलप जो जुड़ा हुआ है दैट इज वास्तु। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले जहां तू वास करे इज वास्तु, राइट? जिस जिस जगह तुम रहते हो उस जगह पे उस जगह का अलाइनमेंट कॉस्मिक एनर्जीज के साथ साथ आपके घर के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट में भी उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आपका घर आपके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट बना हुआ है तो आप उस घर में कभी भी सुकून से जिंदगी नहीं जी सकते। तो ये वास्तु सिर्फ मतलब घर बनने के बाद नहीं, घर बनने से पहले अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेहतर है, यानी उसके अकॉर्डिंग अगर घर बनेगा तो ज्यादा बेहतर है। एंड जहां तक फेंगशुई की बात करते हैं, आप उसके कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे हम जो बोलते हैं कि वाटर एलिमेंट होता है नॉर्थ में, तो वहाँ आप एक्वेरियम लगा दीजिए, या उनके कुछ बुद्धा रहते हैं, हम लोग जैसे हम कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा को यूज करें, विंड चाइम्स को यूज करें, 4 लेग टॉड को यूज करें, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है कि उनका कहना होता है कि इनको आप घर में रख दोगे तो एनर्जीज अलाइन हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ची एनर्जी, ची इज लाइक आपकी सोल की एनर्जी होती है। उनका ये मानना होता है कि सारे लोगों में, सब जीवों में एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसे हम ची एनर्जी कहते हैं। तो उसको उसको अलाइन करने का मेजरली फेंगशुई में काम किया जाता है। तो वो सिंबल्स का यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं, नॉइज मतलब आवाजों का यूज करते हैं जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सो ये बेसिक डिफरेंस है सर। अदरवाइज तो ये साइंस, अगर डिफरेंस भी मैं गिनाने जाऊंगी तो बहुत वास्ट डिफरेंसेस हैं इसमें।